अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ड्रामा सीरियल पाकीज़ा पुप्पू की नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, ड्रामा सीरियल पाकीज़ा पुप्पू की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे, सबा बिलाल से रोती हुई कहती है कि जो जहर शबनम ने पिया था वह जहर मेरे लिए था और आपकी अम्मी ने जूस में ये जहर मिलाकर हमारी बच्चे को मारना चाहती थी, लेकिन गलती से वह जहर शबनम ने पी थी जिसकी वजह से उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो गया। बिलाल सबा की बात ही सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान रह जाता है। इसके बाद आप देखेंगे शबनम अपनी अम्मी पाकीज़ा से बहुत ज्यादा नाराज होती है और उससे बात तक नहीं करती। तो पाकीज़ा रोती हुई शबनम से कहती है, हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं तुम्हारे गुनहगार हूँ, लेकिन प्लीज बेटा अब मुझे माफ कर दो, मुझसे तुम्हारी नाराजगी देखी नहीं जाती। शबनम अपनी अम्मी की बातें सुनकर खामोश रहती है, लेकिन अपनी अम्मी को माफ करने वाली नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे शमसुद्दीन बिलाल को छुरी में पकड़कर बहुत ज्यादा बेइज्जत करता है और उसे बहुत ज्यादा बुरा भला कहता है और उसे धक्के देकर अपने होटल से निकालता है। इसके बाद आप देखेंगे बलाज बहुत ज्यादा खुश होता है और अपनी बाबा से कहता है, बाबा तुम्हें पता है कि मैं अब अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ। बलाज की बाबा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बलाज को गले लगाता है और मायरा की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता कि बलाज अपने पैरों पे अब खड़ा हो सकता है। घर में सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जी दोस्तों, आपको ड्रामा सीरियल पाकीज़ा पुप्पू की नेक्स्ट एपिसोड की ये प्रोमो कैसी लगी हमसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।